चैप्टर नंबर फोर थियोरी ऑफ डिमांड लुक एट दिस चैप्टर ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके अगले दो चैप्टर विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इनका बेस बनाता है अब ये जो चैप्टर है आई है कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड चेंजेस इन डिमांड एंड डिमांड फोकास्ट जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे वी विलुक मीनिंग टर्मिनोलॉजी And determinants of demand we will look at law of demand we will understand what are its assumptions we will understand what are the exceptions to law of demand and why does law of demand come into play and then we will look at changes in demand which can be of two types either there is movement in demand or there is shift in the demand and lastly we have the concept of demand forecasting revised chapter number one ko revise karte स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंटरनल स्कोप में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग ये वही है बेसिकली वहाँ हमने पढ़ा था कि डिमांड फोरकास्टिंग करो लेकिन यहाँ हम समझेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग करते कैसे हैं व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू फोरकास्ट दी डिमांड राइट एंड देन वी विल लुक एट इलास्टिसिटी इन चैप्टर नंबर 5 सो इफ आई हैव टू स्टार्ट विदिक कॉन्प्ट अगर हम बेसिक रिवाइज करें वॉट इज डिमांड एंड वॉट इज क्वान्टी डिमांडेड आपको याद होगा मैंने कहा था कि डिमांड होने के लिए तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट दे हैजू बी अ विश दे हैजू बी अ डिजायर दे हैजू बी नीड। सेकेंड इज विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन दमोडिटी टू फुलफिल दैट विश एंड थर्ड इज एबिलिटी टू स्पेंड एक मैं चाहती हूँ पैसा खर्चा करना और दूसरा है कि मेरे पास पैसा है भी खर्च करने के लिए फाइन द डिमांड इज नथिंग बट क्वान्टिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और मैं आपको क्या थम रूल देती हूँ हमेशा अगर वेरियस प्राइजेस हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या होगा डिमांड लेकिन अगर स्पेसिफिक प्राइस है स्पेसिफिक क्वांटिटी है

बेसिकली डिटर्मिनेट ऑफ डिमांड आर डिमांडर्स विच डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट इसके अंदर आता है पहले ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मेरे साथ साथ बोलो तभी याद रहेगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट एंड एंड अदर्स वेरी गुड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑरिजिनेट होता है और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड कहता है अज्यूमिंग other things remaining constant there is inverse relationship in the own price of the commodity and quantity demanded of that commodity matlab मतलब, inverse relation kab hoga inverse relation tab hoga jab aap baaki sare determinants ko constant assume करोगे बाकी सारे determinants के अंदर जो changes आ रहे हैं उन्हें ignore करोगे and then अगर आपकी commodity का खुद का दाम change होगा चाहे बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी अगर दाम बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी एंड वर्षा ये है लॉ ऑफ डिमांड अब बेटा तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन है सबसे पहला एक्सेप्शन है नेसेसिटी इन केस ऑफ नेसेसिटी जैसे पानी आज तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नेसेसिटी इंटरनेट राइट इन सारी चीजों का दाम अगर बढ़ेगा क्या हम इनकी कंजम्पशन कम कर देंगे नहीं ना हमें जितनी यूनिट्स चाहिए बेसिक सर्वाइवल के लिए बेसिक एफिशिएंसी के लिए हम उतनी यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे ही सेकेंड इज कंसपिकस गुड्स कंसपिकस गुड्स वो होते हैं जो हमारी हैबिट से जनरेट होते हैं जैसे मैंने आपको कहा था कंसपिक्शियस नेसेसिटीज एंड थर्ड इज स्पेक्यूलेटिव गुड्स स्पेक्यूलेटिव गुड्स का मतलब होता है गुड्स लाइक शेयर्स डिवेंचर्स इनका दाम बढ़ता है तो हम इनकी कंजम्पशन भी बढ़ा देते हैं हम इनका डिमांड इनफैक्ट आई शुड यूज़ दी टर्म डिमांड हम इसकी डिमांड भी बढ़ा देते हैं क्यों क्योंकि हमें लगता है कि महंगा खरीदेंगे दाम और बढ़ेगा तो महंगा बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा है ना ये हम बीसी में समझ भी चुके हैं तो दीज आर सर्टेन एक्सेप्शन इनफैक्ट इंसपिक्शियस गुड्स के अंदर आएगा एक केस गिफिन गुड का जिसमें मैंने आपको सर रॉबर्ट गिफिन की स्टोरी सुनाई थी और मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका में जब टाइम था वॉर का उस टाइम पर मीट और ब्रेड दोनों के दाम बढ़ रहे थे लेकिन मीट के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि ब्रेड के दाम बढ़ने के बावजूद भी लोग उसे खरीद रहे थे क्यों क्योंकि जो बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है या जो नेक्स्ट सब्सटीट्यूट है विच इज़ नॉट ए परफेक्ट सब्सटीट्यूट उसका दाम इतना ज्यादा है कि हम उसे खरीद नहीं सकते थोड़ी तो याद आ रही है आनी चाहिए आपको याद क्योंकि तभी आप इनकम इफेक्ट में समझ पाओगे कि गिफिन गुड्स क्या होते हैं चलो तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ओन प्राइज ऑफ द कमोडिटी आई आम मूविंग टू सेकेंड डिटर्मिनेंट दैट इज प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड एवर वी टॉक अबाउट रिलेटेड गुड हम हमेशा दो कमोडिटीज की बात करते हैं वन इज सब्सटीट्यूट एंड अनदर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ठीक है सब्सटीट्यूट क्या होते थे याद करो सब्सिट्यूट वो कमोडिटीज होती थी जिनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है आपस में पॉजिटिव रिलेशन मतलब गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सिट्यूट टी एंड कॉफी इज द बेस्ट आपके दिमाग में भी वही आ रहा होगा तो टी एंड कॉफी के, के केस में क्या होता है अगर टी का दाम बढ़ेगा तो कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी है ना क्योंकि जो सब्सिट्यूट है वो महंगा हो रहा है जैसे गिफिन गुड्स के, के केस में भी हो रहा था अब यहाँ पर सब्सिटिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों गुड्स के मतलब एक गुड के दाम में और दूसरे गुड की क्वान्टिटी डिमांडेड में

कार का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड घट जाएगी क्यों फिर लोग कार डिमांड करना बंद कर देंगे अगर लोग कार नहीं खरीदेंगे तो फिर पेट्रोल भी नहीं बिकेगा राइट सो यू नीड टू रिमेंबर ओनली टू फैक्ट्स दैट सब्सिट्यूट गुड्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड उसके बाद आता है इनकम इफेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ठीक है इनकम इफेक्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्यों क्योंकि इनकम इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो आपको ये बताता है कि कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न क्या होगा आप खुद सोचो अगर आप कंज्यूमर हो आप किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए पैसा पे करोगे वो पैसा कहाँ से आएगा जब आप कमाओगे राइट अब मुझे एक बात बताओ अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आपके मंथली एक्सपेंडिचर में से कुछ कुछ ऐसे होंगे जिनकी आप कंजम्पशन तो सेम ही रखोगे कुछ कुछ ऐसे होंगे जिनकी आप कंजम्पशन भी बढ़ा दोगे अब आप अमीर हो गए हो और कुछ कुछ ऐसे होंगे जिनकी कंजम्पशन घटा दोगे क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए अब मैं बेटर क्वालिटी का गुड खरीदूंगा सस्ती क्वालिटी का गुड नहीं खरीदूंगा राइट तो इनकम इफेक्ट बेसिकली डिवाइड्स द एंटायर लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू टू कैटेगरीज वन इज़ नॉर्मल गुड एंड अनदर इज़ इन्फीरियर गुड लेकिन थर्ड कैटेगरी भी आती है गिफिन गुड की जिस पर मैं अभी आऊँगी जस्ट जस्ट गिव मी वन मिनट तो पहले हम नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड की बात करते हैं अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ जो चावल खाता है अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं बासमती राइस की कंजम्पशन बढ़ाऊँगा है ना और जो सस्ती क्वालिटी के चावल होते हैं उसकी कंजम्पशन घटाऊँगा तो इनकम और गुड्स की कंजम्पशन में इनकम और गुड्स की डिमांड के अंदर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिलेशन होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड ऑन सो इफ यू कैन सी ऑन द इन द डायग्राम आल्सो अगर हम इनकम इफेक्ट की बात करें नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इंफीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव लेकिन दोनों गुड्स के केस में प्राइज इफेक्ट इज नेगेटिव मतलब अगर बासमती चावल का दाम बढ़ जाएगा तो हो सकता है मैं उसकी कंजम्पशन घटा दूं, मैं उसकी डिमांड घटा दूं, है ना तो प्राइस इफेक्ट तो दोनों के केस में नेगेटिव ही रहेगा अब आते हैं गिफिन गुड के बात करते हैं गिफिन गुड वो गुड था गिफिन गुड इज दैट गुड विच डज नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट गिफिन गुड का कोई क्लोज सब्सटिट्यूट नहीं है ठीक है इसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है बट कंपेयर्ड टू अदर गुड्स इट इज स्टिल चीप ठीक है ना तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि इस केस में अगर इनकम बढ़ती है तो हम गिफिन गुड्स को नहीं परचेज करेंगे यहाँ पर क्वालिटी की बात नहीं आ रही गिफन गुड इसीलिए गिफन नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी इन्वॉल्व है इसीलिए गिफन है क्योंकि यहाँ पर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है दाम के बढ़ने के बावजूद भी हम इसके डिमांड को बढ़ाते हैं मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में आपके नॉर्मल लेक्चर्स में कवर किया हुआ है सिंस दिस इज क्विकली हमें अपना चैप्टर रिवाइज करना है तो आई एम श्योर यू आर एबल टू री कॉल दीज कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद मी आई एम एब्सोल्यूटली श्योर कर रहे हो ना रीकॉल चलो नेक्स्ट पर चलते हैं दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ना वेन वी टॉक अबाउट टेस्ट एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्यों क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कंज्यूमर हमने चैप्टर नंबर टू में भी पढ़ा था ये कंज्यूमर अपनी चॉइस से फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दे आर फ्री टू चूज फ्राम द यू नो अवेलेबल लॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो वो अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज से अपने बाइंग पैटर्न को डिफाइन करते हैं लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वन इज़ वेबलन इफेक्ट सेकेंड इज़ नॉब इफेक्ट एंड थर्ड इज़ डेमस्ट्रेशन इफेक्ट इसमें क्या बात करते थे हम हम ये बात करते थे कि, कि कंज्यूमर का नीड नहीं है उस कमोडिटी का देर इज नो एक्चुअल नीड ऑफ दमोडिटी बट देर इज डिराइव नीड हाउ यू वेंट टू दार्टी एट योर रिलेटिव प्लेस और वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपकी बुआ या आपकी मासी या आपकी चाची ने एयर फ्रायर में ऑयल फ्री पकौड़े तल के आपको सर्व किए भाई आपकी मम्मा तो घर आते ही बोलने लग गए कि मुझे भी घर पर एयर फ्रायर चाहिए आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंप्रेस माई गेस्ट ठीक है, आई ऑल वॉन्ट टू कुक ऑयल फ्री पकौड़ाज तो क्या होगा यहां पर हम बोल रहे हैं कि किसी की देखा देखी में आपने अपनी नीड को डिफाइन किया दैट इज नोन एज वेबलेन इफेक्ट दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दोनों में फर्क क्या है एक में हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं और दूसरे में हम लग्जूरियस गुड की बात करते हैं लेकिन ये तो है कि जब आपका आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो टू बाय दैट कमोडिटी लेकिन देर इज ऑल्सो केस जहां पर आप इन्फ्लुएंस होते हो नॉट टू बाय दैट कमोडिटी हाउ जैसे फैशन की बात करें फैशन इंडस्ट्री के अंदर जो ट्रेंड चल पड़ता है ना वी ऑल्सो टॉक ये ज्यादातर गर्ल्स के केस में होता है कि अगर एक फैशन ट्रेंड चल रहा है एंड एवरी वन इज दैट फैशन ट्रेंड तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट फील कि यार हमें ऐसा लगता है कि हर कोई ये चीज पहन रहा है आई डोंट टू बी वन ऑफ द लॉट तो इसीलिए आई विल नॉट बाय दिस प्रोडक्ट आई वॉन्ट टू बाय समथिंग डिफरेंट उसे कहते हैं स्नॉब इफेक्ट जहाँ आपकी इच्छा मर जाती है उस कमोडिटी को परचेज करने की वेयर एज वेबलन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में यू टेंड टू फील कि यू नीड दैट कमोडिटी और वहाँ पर आपकी डिमांड क्रिएट होती है इन्फ्लुएंस होती है डेमोन्स्ट्रेशन इज़ लाइक फॉर एवरी कमोडिटी एंड वेबलन इज यूजली फॉर लग्जूरियस गुड्स जो आपकी प्रेस्टीजियस वैल्यू को इन्हांस करते हैं आपके घर पे ऑलरेडी तीन कार्स हैं, लेकिन आपके फ्रेंड ने अभी लेटेस्ट न्यू मॉडल ऑफ मर्सिडीज लिए तो आपने बोला कि उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए सोशल स्टेटस, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मेरा फुलफिल होना चाहिए दैट इज वेबलन इफेक्ट फाइन। और उसके बाद आते हैं कुछ अदर डिटर्मिनेंट लाइक पॉपुलेशन का साइज अदर डिटर्मिनेंट्स लाइक कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, ऑल सच फैक्टर्स ठीक है लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों करता है डेटा ऑन it वाई इज इट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ना तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने ये समझा था कि कंज्यूमर इक्लिबिनियम पर तब होता है जब जिस चीज़ को वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी यूटिलिटी और जिस चीज़ को वो गेन कर रहा है उसकी यूटिलिटी इक्वल हो राइट right? और उसमें हमने एक साइकोलॉजिकल फिनमिना भी समझा था कंज्यूमर का जिसे हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं और हमने ये समझा था कि कंज्यूमर को ये लगता है मैं जितना ज़्यादा कंज्यूम करूंगा उतनी ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी लेकिन ऐसा होता नहीं है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से कंज्यूमर हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मुझे कौन सी कमोडिटी को चूज़ करना चाहिए और कितना खरीदना चाहिए जब हम आईसी को डिस्कस कर रहे थे तब हमने इन दोनों बातों को किया था अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से हम ये भी डिफाइन करते हैं कि एक रैशनल कंज्यूमर विल नॉट पे फॉर लेसर विल नॉट पे मोर फॉर लेसर सैटिस्फेक्शन विच मीन्स जब एक कंज्यूमर इक्म अचीव कर लेता है उसके बाद अगर उसे एक भी और कमोडिटी कंज्यूम करनी है तो उसे लगता है कि यार कंजम्पशन से यूटिलिटी कम मिलेगी सेक्रीफाइस ज़्यादा रहा है एज ए रिजल्ट कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को रोक देते अब इसे आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके सोचना प्राइजेज आर लोअर क्यों क्योंकि दाम कम होगा तो उसे लगेगा मेरी जेब से जो पैसा जा रहा है उसकी यूटिलिटी क्या है कम्पेरेटिवली कम है एज कंपेयर टू जो मेरी जेब में आया उसकी यूटिलिटी से इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द फाउंडेशन बेसिक पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नेक्स्ट इज प्राइस इफेक्ट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइस इफेक्ट वी ऑलवेज लुक एट टू थिंग्स वन इज सब्सिट्यूशन इफेक्ट एंड अनदर इज इनकम इफेक्ट था दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटीज मतलब नथिंग बट ओवर हियर वी आर लुकिंग एट दी सब्सटी वी आर लुकिंग एट दी बाइंग पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर जब इकोनॉमी के अंदर ए कमोडिटी के सब्सटी अवेलेबल होते हैं क्लोज सब्सिट्यूट या परफेक्ट सब्सिट्यूट अवेलेबल होते हैं ऑन दी अदर हैंड जब हम इनकम इफेक्ट की बात करते हैं इनकम इफेक्ट में हम ये बोलते हैं व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर कैन बाय सेम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विद लेस मनी और ही कैन बाय मोर ऑफ द कमोडिटी विद सेम मनी है ना यहाँ पर हम क्या बात करते थे यहाँ हम रियल इनकम की बात करते थे याद करो रियल इनकम क्या होता था रियल इनकम होता था जब हम कहते थे कि आप अपनी इनकम को इन टर्म्स ऑफ रुपीज कैलकुलेट नहीं कर रहे हो मेजर नहीं कर रहे हो बट इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर कर रहे हो जो आप अपनी इनकम से अचीव कर सकते हो बाय कर सकते हो अटेन कर सकते हो राइट सो इन अदर वर्ड्स एज अ रिजल्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर्स रियल इनकम ऑफ परचेजिंग पावर इंक्रीजेस दिस इंक्रीज इज द रियल इनकम विच इंड इम टू बाय मोर ऑफ कमोडिटी नेक्स्ट इज अरावल ऑफ न्यू कंज्यूमर आप मुझे खुद बताओ अगर किसी इकॉनॉमी में और और कंज्यूमर आएंगे ठीक है ना तो क्या होगा तो यही होगा कि इकॉनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको दाम कम करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट बिक सके एंड डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट यूजर्स आप बहुत जगह पढ़ोगे इनफैक्ट आप यहाँ पर राशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड समझाते हुए पढ़ रहे हुए?

सर्टन कमोडिटीज़ हम मल्टीपल यूजेस राइट और हमें ये पता है कि अगर किसी कमोडिटी का मल्टीपल यूज़ है मतलब जैसे दूध मिल्क हैज़ मल्टीपल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मल्टीपल यूज तो क्या होगा अगर ऐसी कमोडिटीज़ का डिमांड ज़्यादा होगी तो मतलब ये है कि हम इसे और कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं राइट right? तो ये जो मेन सोर्स है बाकी कमोडिटीज़ का

ठीक है जिसके अंदर हम लोग बात करते थे कि हम लोग अपनी हैबिट से दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर गुड की डिमांड करते हैं फिर हमने गिफ एंड गुड्स देखा गिफ एंड गुड्स में हमने ये समझा था कि गिफ एंड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसके अंदर प्राइस डिमांड रिलेशन पॉजिटिव होता है मतलब अगर दाम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ रही है और वो क्यों बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाकी सारे जो गुड्स अवेलेबल हैं वो कंपेरेटिवली और ज़्यादा महंगे हैं ओके इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं ऑपरेट करता विच मीन्स ओवर हेयर द डिमांड कर्व विल नॉट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग इन फैक्ट इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग फिर आते हैं कंस्पिक्शियस नेसेसिटीज कंसपिक्शियस नेसेसिटीज़ एज आई टोल्ड यू आज की डेट में इंटरनेट हैज़ बिकम बिकमिकशियस नेसेसिटी अ मोबाइल फोन हैज बिकम कंस्पिक्शियस नेसेसिटी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइज अगेन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस ऑल्सो हेल्प्स अस टू इन्फ्लुएंस द डिमांड अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर के अंदर दाम और बढ़ेगा जैसे मैंने आपको बात की थी उसकी स्पेक्यूलेटिव गुड्स की है ना स्पेकुलेटिव गुड्स के केस में अगर मुझे लगेगा कि फ्यूचर में दाम बढ़ने वाला है तो हम अभी डिमांड को क्या कर लेंगे इंक्रीज कर लेंगे अभी सस्ते दाम में खरीदेंगे फिर बाद में महंगे दाम में बेच देंगे राइट उसके बाद आता है डिमांड फॉर नेसेसरीज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिमांड फॉर नेसेसरीज क्या होती है हम हाँ चाहे इन कमॉडिटीज का दाम बढ़ जाए लेकिन हमें जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हम उतना तो इसे कंज्यूम करेंगे ही करेंगे नेक्स्ट द स्पेकुलेटिव गुड्स वी हैव ऑलरेडी इट मेनी अ टाइम्स नाउ चलो अब चलते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक मूवमेंट इन डिमांड कर्व नाउ वेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट इन डिमांड कर्व आई वॉन्ट टू टेक यू टू सम समाग्राम्स जस्ट वेट तो यू लुक एट मूवमेंट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व ये दो चेंजेस हैं जो डिमांड कर्व में आते हैं मूवमेंट का मतलब क्या होता है मूवमेंट का मतलब होता है यू आर मूविंग अलॉन्ग दी डिमांड कर्व विच मीन्स इफ यूर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग यू आर मूविंग अलॉन्ग देम डिमांड कर्व मतलब आप सेम डिमांड कर्व पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हो या वाइसोवर्सा उसे कहते हैं मूवमेंट और ये मूवमेंट क्यों होती है ये मूवमेंट होती है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब मूवमेंट इन द डिमांड कर्व और यू कैन सी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड अब इसके अंदर दो फिनिनाज आते हैं एक है एक्सटेंशन और दूसरा है जी कॉन्ट्रैक्शन किसी भी चीज की एक्सटेंशन का मतलब होता है ग्रोथ किसी भी चीज के एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा इंक्रीज इन द डिमांड इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड क्योंकि ओन प्राइस और क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तभी हम बोलते हैं ना अदर थिंग्स थिंग लॉ ऑफ डिमांड जो है इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी नॉट ओवरऑल डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी ओवरऑल डिमांड के लिए हम अदर डिटर्मिनेट्स को देखते हैं जैसे इनकम हो गया रिलेटेड गुड्स हो गया टेस्ट इंड प्रेफरेंसेज हो गया ठीक है सिमिलरली कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन द्वान्टिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑन द अदर हैंड अगर हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट के अंदर बेटा क्या होता है आपका जो दाम है वो कॉन्स्टेंट रहता है प्राइस डज नॉट चेंज तो मैम क्या चेंज होगा <laughs> जब हम बात करते हैं ना अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट अब शिफ्ट के केस में प्राइस हैज बिकम कॉन्स्टेंट एंड ऑल अदर थिंग्स आर चेंजिंग शिफ्ट के केस में प्राइस हैज बिकम कॉन्स्टेंट एंड ऑल अदर थिंग्स आर चेंजिंग व्हिच मींस देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड देयर इज चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर देयर इज चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर तो जब हम उन सारे फैक्टर्स को देखते हैं वी से दैट देयर इज शिफ्ट इन द डिमांड Which means, आपका पूरा का पूरा डिमांड या तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड शिफ्ट करेगा forward shift कब करेगा? Forward shift तब करेगा तब जैसे change का मतलब क्या हुआ? इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई अनफेवरेबल चेंज बैकवर्ड शिफ्ट लाएगा मतलब इनकम बढ़ने से इनफीरियर गुड्स की डिमांड घट गई दैट इज अनफेवरेबल चेंज ठीक है ना तो जब भी हम सेम डिमांड कर्व को एनालाइज करते हैं हम कहते हैं हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं और जब हम न्यू डिमांड कर्व एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व से न्यू डिमांड कर्व फॉर्म करते हैं इधर बाय मूविंग इट फॉरवर्ड और मूविंग इट बैकवर्ड डिपेंडिंग ऑन द फेवरेबल और इन अनफेवरेबल चेंजेस वी से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्ट इन द डिमांड तो शिफ्ट इज कॉज बाय अदर फैक्टर्स मूवमेंट इज कॉज बाय चेंज इन प्राइज ऑफ दी मूवमेंट के अंदर अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट शिफ्ट के अंदर चलो वेरी नाइस अब हम चलेंगे डिमांड फोकास्टिंग पर डिमांड फोकास्टिंग देखो डिमांड फोकास्टिंग के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाई बिकॉज आपने फर्स्ट चैप्टर में भी समझा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखते हुए कि डिमांड फोर समझने से हम बाकी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं कि अब प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए कॉस्ट ब्रैकेट क्या होगा लीज कॉस्ट मैट्रिक्स क्या होगा मार्केट कैसे एनालाइज करेंगे तो डिमांड फोर इज बेसिकली फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल अदर फिन इसीलिए इसका समझना बहुत ज़रूरी है एंड एज आईव ऑल टाइम एंड अगेन रिपीटेड दिस फैक्ट कि आई सी आई के एग्जाम में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको हंड्रेड परसेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी चाहे आपको फोर्टी मार्क्स लेने हैं चाहे फिफ्टी लेने हैं चाहे हंड्रेड ऑन हंड्रेड लेने हैं आपको हंड्रेड परसेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस चीज़ को नीड टू गेयर अप इफ यू वॉन्ट गुड रिजल्टेशन यू हैव टू प्रिपेयर हंड्रेड परसेंट विच मीन्स आपने सारा सिलेबस बहुत थ्ररीली पढ़ा होना चाहिए क्योंकि एम सी क्यू बेस्ड पेपर है यहाँ पर हम लोग फट्टे नहीं मार के आ सकते कि ठीक है रिमांड के बारे में पूछा है तो अपने एग्जाम्पल्स देर आंसर विल बी इधर राइट और रॉन्ग देर इज़ नो मिडल वे इसी लिए यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग आई विल नेवर से कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इसे छोड़ दो नो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन स्टडी एवरी थिंग राइट हमने पढ़ा भी हुआ है चलो अब मुझे याद करवाओ वट इज़ डिमांड फोकास्टिंग फोकास्टिंग का मतलब क्या होता है फोकास्टिंग का मतलब होता है पास बिहेवियर के बेसिस पर फ्यूचर को एनालाइज करना फ्यूचर को फोकास्ट करना डिमांड फोकास्टिंग के अंदर हम लोग किसी भी बिजनेस uh, ऑर्गेनाइजेशन के पास डेटा के बेसिस पर फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी उसे एनालाइज करते हैं इसके बहुत सारे यूजेस हैं एंटायरली थेरेटिकल यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट यू कैन गो थ्रू द स्कोप ऑफ फोकास्टिंग आई विल कम टू टाइप्स ऑफ फोकस टाइप्स ऑफ फोकस में बेटा हमने दो टाइप के फोकस देखे थे एक था ऑन दी बेसिस ऑफ इंडस्ट्री एंड एक था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री हमने माइक्रो और मैक्रो के ऊपर डीलिंग की थी राइट right? हमने ये कहा था कि जब हम पूरी इंडस्ट्री Uh, के डिमांड को एनालाइज करेंगे फोकस करेंगे तो हम कहेंगे दैट इज़ अ मैक्रो कॉन्सेप्ट और उसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एज एन इंडस्ट्री एज द इंडस्ट्री एज अ होल कैसे डिमांड चेंज हो रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड कोविड वॉज वन सच पैंडमिक दैट वॉज दैट ब्रॉट लॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज इन टेक्नोलॉजी सेक्टर राइट तो आई टी सेक्टर एज द एंटायर इंडस्ट्री कैन फोकस ग्रोथ इन इंडेयर सेक्टर राइट तो वो हो गया इंडस्ट्रियल फोकास्टिंग जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स क्या चल रहा है ओवरऑल इंप्लॉयमेंट लेवल उस इंडस्ट्री में क्या रहेगी लेकिन अगर मैं उस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली किसी सिंगल फर्म की बात करूँ तो वो क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो अनालिसिस राइट जिसके अंदर में एक पर्टिकुलर फॉर्म के प्रोडक्ट की डिमांड देखूंगी जैसे सपोज करो आ, अभी एवरी थिंग इज डिजिटलाइज राइट इवन आर एजुकेशन इज डिजिटलाइज एंड यू है हमें यह समझ आ गया है कि हम मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ पिक्चरें देखने के लिए नहीं पैदा हुए हम पढ़ भी सकते हैं उसके ऊपर और इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं तो अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें पिछले टाइम पीरियड में दो क्वार्टर्स में इनफैक्ट लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन की सेल बढ़ गई है अब ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात उसमें भी एच की सेल बढ़ी या माइक्रोसॉफ्ट की सेल बढ़ी या डेल की सेल बढ़ी दैट इज माइक्रो कॉन्सेप्ट लुकिंग एट अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ दैट एंटायर इंडस्ट्री नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम या तो शॉर्ट टर्म को देखते हैं या लॉन्ग टर्म वेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म वी से दैट वी आर फोकास्टिंग द डिमांड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लेकिन मैम वॉट इज शॉर्ट टर्म एंड वॉट इज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जरूरी नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड मेजर किया जाए जब आप प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच वी आर यूजिंग तेज हो गई ना मैं कोई बात नहीं हम रिवाइज कर रहे हैं रिविजन तो तेज होनी चाहिए बट <laughs> एनी कहीं भी आपको लगे कि हाँ मैम तो भावुक हो गए हैं और बस शी इज जस्ट रनिंग विद द विदेप्ट you can slow down the speed you can pause and rewind and listen to me again but since it is revision therefore i want you us to quickly revise everything chalo coming back so वैसे ही जब हम फोकास्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड होता है और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड जब हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें इंडस्ट्री की बेसिक नॉर्म्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भूलना नहीं चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पेन इंडस्ट्री का शॉर्ट स्पैन हो सकता है लेस देन वन ईयर लेकिन अगर मुझे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को देखना है या रेलवे इंडस्ट्री को देखना है जहाँ पर उनके एक एक एयरक्राफ्ट को बनने में इतने साल लग जाते हैं तो ओवर देयर ऑपरेटिंग साइकिल इज गोइंग टू टेलर्स ना प्रोडक्शन साइकिल वॉट इज शॉर्ट रन एंड वॉट इज लॉन्ग रन तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा लेजन वन ईयर विल बी शॉर्ट रन इट विल डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है सिमिलरली लॉन्ग टर्म होगा जब हम लंबे टाइम पीरियड के लिए एनालिसिस कर रहे हैं अगेन टाइम पीरियड इज बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ इंडस्ट्री नाउ वी विल लुक एट दी मैथड्स पहले मेथड्स की बात करते हैं उसके बाद डिस्टिंगशन देखेंगे लेट्स कम टू द मेथड्स मेथड्स ऑफ डिमांड फोकास्टिंग सो वी लुक एट ऑफ ऑफ डिमांड सबसे पहली मेथड है सर्वे बायर्स इंटेंशन क्या करते थे हम यहाँ पर यहाँ पर हम बायर से डेटा कलेक्ट करते थे कैसे या तो हम डायरेक्टली बायर का इंटरव्यू ले सकते हैं या हम इनडायरेक्टली उसे फॉर्म्स भरवा के उसे ईमेल भेज के या अपने ऑफिस में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उसका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे जब हम होटल में जाते हैं तो बिल के साथ एक फीडबैक फॉर्म आता है जब हम एमेज़ोन मिंत्रा इन सारी साइट से कुछ परचेज करते हैं दो दिन बाद डिलीवरी के हमें मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं प्लीज़ रेट योर फीडबैक गूगल प्ले स्टोर पर भी रेटिंग आती है तो ये सारी रेटिंग्स क्या करती हैं ये सारी रेटिंग्स कंज्यूमर या बायर के बिहेवियर के बारे में सेलर को इंफॉर्मेशन देती है बताती है कि कंज्यूमर कितना खुश है इस प्रोडक्ट को लेकर और उसी से हमें पता चलेगा कि अगर कंज्यूमर सरप्लस में है इस प्रोडक्ट को लेके तो मैं इसका दाम बढ़ा सकता हूँ सरप्लस में तो तभी होगा ना जब उसके लिए इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होएगी चलो नाउ अनदर अनदर मेथड ओवर हेयर इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड गाइज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड के अंदर हम बात करते थे कि हम अपने इम्प्लॉयिज़ या अपने बायर्स uh, के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे हैं कम्प्लीटली बट वी आर ऑल्सो टेकिंग द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री वो आर दी एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री पीपल लाइक यू एंड मी चार्ट अकाउंटेंट्स इकॉनमिस्ट बिजनेस मैगजीन के राइटर्स जर्नलिस्ट जो बिजनेस न्यूज़ कवर करते हैं ये सारे लोग एक्सपर्ट्स होते हैं इकॉनमी के जो बहुत ज़्यादा डिटेल में इकॉनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं उसका साथ पैरामीटर्स बना कर रखते हैं और टाइम टू टाइम इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए अवेयर रहते हैं तो जब भी हम इन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के बेसिस पर डिमांड फोकस करते हैं हम कहते हैं दैट वी आर यूजिंग दी एक्सपर्ट ओपिनियन एंड वन थिंग दैट आई मिस्ड आउट वॉज कलेक्टिव ओपिनियन कलेक्टिव ओपिनियन अगर याद करो तो इसमें हम क्या कहते थे हम ये कहते थे कि बायर और सेलर के बीच का जो इंटरमीडियरी होता है वो होता है कंपनी का सेल्स पर्सन जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक डाबर या छोटे छोटे मॉल्स भी जो हैं बड़ी बड़ी कंपनी के आगे मॉल्स तो छोटे ही है ना मॉल्स में भी अगर आप देखोगे बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आपके सामने खड़ाए हुए हैं जो आपको कुछ भी करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि ये कपड़ा आप पे बहुत जच रहा है मैडम ये तो खरीद ही लो आप है ना तो so, ये जो लोग होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं विद बायर्स और ये डायरेक्ट बायर को अंडरस्टैंड करके बता सकते हैं कि बायर का इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या टेस्ट था क्या प्रेफरेंस थी दैट इज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड उसके बाद वी हैव सम स्टैटिस्टिकल मेथड्स स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर सबसे पहला है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड देन वी हैव ग्राफिकल मेथड देन वी आल्सो हैव रिग्रेशन एनालिसिस इन सारी मेथड्स के अंदर जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम लोग मैथेमेटिकल फॉर्मूलाज के अंदर पंचन करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं मेजर करने की कोशिश करते हैं कि अगर डिमांड फोकास्ट हो रही है तो फ्यूचर में डिमांड कितने यूनिट से इंक्रीज होगी और कितने यूनिट से डिक्रीज होगी एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोकास्टिंग गाइज बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोकास्टिंग को मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कहती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर नंबर ट्वेल्व में जब हम बिजनेस साइकिल्स पढ़ते हैं तो मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है जाग जाओ ध्यान से सुनो चैप्टर नंबर ट्वेल्व में जब हम बिजनेस साइकिल के फेजेस देखते हैं तो हम उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ते हैं इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट इंडिकेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ़ फोरकास्टिंग से ही अराइज होता है हम वेन वी लुक एट इंडिकेटर्स हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके लिए अगर हम अवेयर रहें हमें पता चलेगा कि क्या मेरी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन और अगर इंडस्ट्री में एक्सपेंशन हो रहा है तो मैं भी बेहती गंगा में हाथ धो धोलूँगा और मैं भी ग्रो कर जाऊँगा और अगर इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि मैं एज अ सिंगल प्रोड्यूसर लॉसेस बियर करूं तो बैरोमेट्रिक मेथड्स के अंदर जब हम तीन फैक्टर्स लीडिंग लैगिंग कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं तो उसे स्टडी करने का प्राइमरी मोटिव यही होता है कि मैं इंडस्ट्री का ट्रेंड डायरेक्शन पैटर्न अंडरस्टैंड कर सकूँ जिसमें मैं ऑपरेट कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज समिंग विच इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट माई ओन इंडिविजुअल सप्लाई एंड डिमांड फाइन चलो अब हम देखते हैं डिस्टिंक्शन इन गुड्स जब हम डिस्टिंक्शन इन गुड्स देखेंगे तो सबसे पहले प्रोड्यूसर गुड और कंज्यूमर गुड आई एम श्योर यू नो दिस प्रोड्यूसर गुड वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स मार्केट से एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है और फर्दर सेल में काम नहीं आते ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सालों साल चलते हैं जैसे आपके घर का फर्नीचर और नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो सिंगल यूज के लिए होते हैं जैसे कि ब्रेड राइट नेक्स्ट इज डराइव डिमांड डिराइव डिमांड एंड ऑटोनॉमस डिमांड सी ऑटोनॉमस डिमांड होती है पेरेंट डिमांड औरिजिनल डिमांड एक्चुअल डिमांड डिराइव डिमांड होती है क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे उसकी बेटर यूटिलाइजेशन uh, के लिए मुझे कुछ एडिशनल एनसीलियरी चीज़ें चाहिए जैसे मैंने लैपटॉप परचेज किया तो मुझे उसकी वर्किंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ओवरअल लैपटॉप इज़ दी ऑटोनमस डिमांड एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ द डराइव डिमांड फिर आता है डिमांड फॉर फॉर्म्स प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री डिमांड अगेन फॉर्म प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री डिमांड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो एनालिसिस शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड अगेन शॉर्ट स्पैन और लॉन्ग स्पैन के लिए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री अब ये जितनी भी हमने डिमांड देखी है ये सब कंज्यूमर की कुछ हैबिट से डिराइव की होती हैं या इंफ्लुंस uh, होती हैं अगर मैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की बात करूँ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड की बात मतलब एक तो मैं कंज्यूमर गुड की बात कर रही हूँ प्लस नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल यूज़ के काम आता है तो उसके लिए फैक्टर्स क्या होंगे जो तो उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे सबसे पहला फैक्टर है डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास मेरी जेब में कितना पैसा पड़ा है कंजम्पशन के लिए दूसरा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड तीसरा है डेमोग्राफिक कंडीशंस जिस एरिया में मैं रह रही हूँ उस एरिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है ऑन दी ऑन माय पर्सनल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी ठीक है तो इंडिया uh, और फॉरेन, वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडिया का अगर हम एग्जांपल लें या दैट विल बी अ बिग एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट इंडिया में चंडीगढ़ एंड मुंबई करेंटली डेमोग्राफिक कंडीशन अगर देखी जाए तो यहाँ पर अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो लोग विंटर क्लोथ्स को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन मुंबई के अंदर वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं है तो लोग वुलन क्लोथ्स को डिमांड नहीं करेंगे कंपेरेटिवली जितना चंडीगढ़ में करेंगे सो ऑल सच फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस माई डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स लेकिन जब हम ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो उसके अंदर अलग फैक्टर्स हैं सबसे पहला फैक्टर है पोस्टपोनमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ड्यूरेबल गुड ड्यूरेबल गुड वो गुड होता है जो सालों साल चलता है लेकिन उसकी भी लाइफ है वो भी डिप्रीशियेट होगा और जब वो डिप्रिशिएट होगा हम उसे रिप्लेस करेंगे अब मैं एज कंज्यूमर ये चाहूँगी कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज करूँ मैं उस प्रोडक्ट को जब तक वो घिस ना जाए बिल्कुल दम ना तोड़ दे तब तक उसे यूटिलाइज करूँ हम लोग यही तो करते हैं वैल्यू फॉर मनी सो एज कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड खरीदते हुए मैं ये जरूर देखूंगी कि इस ड्यूरेबल गुड की रिप्लेसमेंट लाइफ कितनी है या आप कहो एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है कितने टाइम के बाद इसकी रिप्लेसमेंट आएगी और उस रिप्लेसमेंट को भी मैं कितना पोस्टपोन कर सकती हूँ जैसे सपोज करो हम कोई प्रेस आयन खरीद के लेकर आते हैं और उसके ऊपर सपोज करो उसकी लाइफ दो साल की लिखी है लेकिन हमें भी पता है कि अगर हम दो साल से ज़्यादा इसे चलाना चाहें तो वो चल जाएगी ऐसे ही होता है ना गाड़ी की लाइफ से टेन ईयर्स की है लेकिन हम तो बीस बीस साल उसे चलाते हैं तो डेट इज एम आई टू से पोस्ट पोनमेंट कितनी कर सकते हैं हम उस कमोडिटी की रिप्लेसमेंट की उसके बाद स्पेशल फैसिलिटीज़ मैंने गाड़ी ली लेकिन मेरे एरिया में कच्ची सड़कें हैं कोई फायदा नहीं होगा उसका फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें कार्ड लेनी है तो तुम तुम्हारी चॉइस नहीं चलेगी तुम्हारे मम्मा पापा भाई बहन सबकी चॉइस चलेगी उसके अंदर राइट सो ऑल सच थिंग्स एंड अनदर फैक्टर प्राइजेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज आजकल जैसे ई हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि ई पे मिल रहा है तो खरीद लो राधा देन कैश पेमेंट करने के डाउन मतलब पूरा पैसा अभी देने के तो सच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड लास्ट वन इज द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स हम गए प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक प्रोड्यूसर ने बनाया और दूसरे प्रोड्यूसर ने एब्जॉर्ब कर लिया और दूसरे प्रोड्यूसर ने खरीद लिया और फिर अपनी फैक्ट्री uh, के अंदर उस कमोडिटी को रॉ मटेरियल या कैपिटल गुड की तरह यूज करके उसने फर्दर प्रोडक्शन की मतलब यहाँ पर हमारे पास एक रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है और एक कंज्यूमर इंडस्ट्री है जिस केस में कंज्यूमर इज नथिंग बट प्रोड्यूसर सो ओवर हेयर वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो यूजर इंडस्ट्री है इस यूजर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है जैसे सीमेंट सीमेंट सबसे ज्यादा रियल इस्टेट में यूज होता है अगर हमें दिख रहा है कि रियल इस्टेट सेक्टर डाउनफॉल पर जा रहा है मतलब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं लगेंगे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी बिल्डिंग्स की हाउसेस की तो सीमेंट इंडस्ट्री ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि अगर मेरी यूजर इंडस्ट्री डाउनफॉल पर जा रही है तो मैं भी उतना ही प्रोडक्ट बनाऊं जितना रिक्वायर्ड है एक्सेस में बनाकर मेरे को भी कोई फायदा नहीं होगा मेरे पैसे मर जाएंगे राइट सो व्हेन वी लुक एट प्रोड्यूसर गुड्स वी ऑलवेज लुक एट वी ऑलवेज लुक एट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ यूजर इंडस्ट्री एंड नॉर्म्स ऑफ कंजन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन दूजर इंडस्ट्री ठीक है प्रोडक्शन का प्लांट साइज क्या है प्लस यूज इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है अब हम इसी इसी पर पर के देखते हैं कि क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सो लेट्स क्वेश्चन नंबर वन डायरेक्टली अफेक्ट डिमांड कर्व प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कंज्यूमर इनकम कंज्यूमर इनकम टेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड बैंक ओपनिंग आर्स एंड द प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्सेंसेज सो वॉट इज द करेक्ट आंसर येस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैंक ओपनिंग आर्स आर नॉट द डिटर्मिनेंस ऑफ डिमांड स्लोप ऑफ इनडिफरेंस दिस वॉज अ गुगली बेसिकली यह चैप्टर थ्री का क्वेश्चन है बट चलो आपने चैप्टर थ्री रिवाइज किया हुआ है सो लेट सी वी कैन आंसर दिस ऑन नॉट

तो उस कमोडिटी के दाम में इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी लेट्स सी दे इज डिक्रीज इन द डिमांड नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड और स्मॉलर क्वांटिटी डिमांडेड स्मॉलर क्वांटिटी डिमांडेड वाई दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट डिक्रीज इन डिमांड और डिमांड में डिक्रीज आता है अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से यहाँ पर क्वेश्चन में आपको प्राइस में चेंज बताया ओन प्राइस में इन केस ऑफ गिफ गुड द डिमांड कर विल बी अपवर्ड स्लोपिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्वांटिटी सप्लाइड इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस रिलेटिव टू प्राइस ऑफ कोक एंड स्लाइस द डिमांड फॉर कोक विल राइज स्लाइस विल डिक्रीज कोकन स्लाइस विल इंक्रीज कोक एन स्लाइस विल डिक्रीज बताओ क्या होगा पेप्सी का दाम घट गया कोकन स्लाइस की डिमांड घट जाएगी सब्सिट्यूट डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेट टू बी डिराइव डिमांड बिकॉज इट्स फ्राम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट क्योंकि मेरे पास पेन की डिमांड आ रही है दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट तो इसमें डलने वाला इंक की डिराइव डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी If सब्सिट्यूशन इफेक्ट चेंज इन good is इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन total अच्छा गाइज ये वैसे चैप्टर नंबर फाइव का क्वेश्चन है आप इसे चैप्टर फाइव रिवाइज करने के बाद दोबारा पढ़ सकते हो अभी के लिए इसका आंसर इज इंक्रीज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन मूवमेंट है ना जब दाम बढ़ता है और क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है ऑप्शंस देख लो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ दी कमोडिटी इन द केस ऑफ गिफ एंड गुड डिमांड कब विल बी अपर्ड स्लोपिंग कंस्पेक्शियस गुड्स आर आल्सो नोन एज प्रेस्टीज गुड्स स्नॉप गुड्स वेबरन गुड्स ऑल ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट मार्क करो इसे ऑल चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट्स

यहाँ पर चिकन का दाम बढ़ गया तो नेचुरली फिश की डिमांड बढ़ जाएगी अगर फिश की डिमांड बढ़ेगी तो देर विल बी राइट वर्ड शिफ्ट चलो कोका कोला एंड अ राइज इन द प्राइस ऑफ कोका कोला विल डैश द डिमांड फॉर पेप्सी एंड द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी विल डैश देर इज राइज इन प्राइस ऑफ कोक डिमांड फॉर पेप्सी विल इंक्रीज एट क्वानिटी ऑफ पेप्सीक्रीज लेट्सिंग द सेम मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रेक्शन ठीक है डिक्रीज इन डिमांड आया है मतलब क्वान्टिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है क्यों क्योंकि प्राइस बढ़ रहा होगा तो so, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है increase in price but decrease in number of mobiles what which of the following statements about inferior goods is or are false inferior goods are those that will never buy no matter how cheap they are inferior goods are those that we buy more of if we become poorer inferior goods are those that we buy more of if we become rich inferior goods second to galtogia क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फॉल्स क्या है वो बताओ इन्फीरियर गुड्स आर दोस दैट वी बाय मोर इफ वी बिकम पुअरर ये तो ट्रू स्टेटमेंट है ना क्वेश्चन में फॉल्स पूछी फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉल्स सो ऑप्शन ए इज करेक्ट प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस रिलेटिव टू प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट बी एंड सी अगर प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीज कर रहा है रेलेटिव टू इट्स तो सब्सिट्यूटीट्यूट की डिमांड क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी ऑप्शन सी कॉन्ट्रेक्शन रिजल्ट ऑफ नथिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर एग्स मिल्क वेजिटेबल्स विल हैव लोकल मार्केट The price of pizza increases by 22% and the quantity of pizza demanded falls by 25%. The this indicates the demand for pizza is it is elastic. Basically, जब हम चैप्टर फाइव रिवाइज करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा लेकिन अभी भी आपको पता होना चाहिए पढ़ा तो है ना चैप्टर फाइव यहाँ पर price of pizza increase हुआ बाईस परसेंट मतलब percentage change in प्राइज इज ट्वेंटी टू परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी इज ट्वेंटी तो ये ग्रेटर देन वन है ना विच इज इलास्टिक फाइन तो दिस वॉज अबाउट योर चैप्टर नंबर फोर अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर फाइव